पीलीभीत में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठग ने युवकों से लाखों की ठगी की है। धोखाधड़ी करने वाले ठग ने युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया है। जब युवक नियुक्ति पत्र लेकर लखनऊ पहुंचा तो उसके साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। नौकरी के नाम पर महेंद्र पाल नाम के व्यक्ति ने लाखों रुपए की ठगी की है। नौकरी का झांसा देकर 1,40,000 रुपये की ठगी की गई है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की। नौकरी के झांसे में आकर कई युवक ठगी के शिकार हो चुके हैं। पुलिस शिकायत करने के बाद भी कहा जा रहा है कि FIR दर्ज नहीं हुई है और जो धोखाधड़ी कर रहा है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। मामले में बादाम मौर्य और हरिश्चंद्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरा मामला देवरिया थाना क्षेत्र के कुसमा गांव का बताया जा रहा है। जी, क्या नाम है अपना? बादाम मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? कुसमा से। जी, क्या है पूरा मामला आपका? पूरा मामला, मैंने बॉर्ड बैंक में पैसे दिए थे नौकरी के लिए, वो मेरा मारा गया है। किसे पैसे दिए थे आपने? मैंने महेंद्र को दिए थे। कहाँ के हैं महेंद्र? कुसमा का। कुसमा के रहने वाले हैं? तो आपने कोई शिकायत की थाने में? थाने में 2-3 बार शिकायत की थी। कितना रुपये दिया था लगभग आपने? मैंने 1,15 दिया था। 1,15,000? तो क्या बोले थे थाने वाले? थाने वाले बोले थे पैसे दिलवा देंगे, बस 2-3 किस्तों में थोड़ा बहुत दिलवाया बस। कितना दिलवाया? कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये दिलवाया बस। अब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे ये कह रहे हैं मतलब जो कि पैसे दिलवाया जाएगा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगी आपका पैसा देने का? ये क्या? अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर है ये। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्या है आपका पूरा मामला? मामला में करीब के पड़ोस के गांव महेंद्र पाल ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपये हमसे ठगी कर दी। अच्छा, कितने रुपए लिए थे आपसे? 1,00,000। अच्छा सर, 1,00,000 के किस बात के लिए थे आपसे? सर, नौकरी देने के वास्ते कि आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाए तो उसका फर्जी नियुक्ति पत्र दिलवाए। इसकी आपने कोई पुलिस से शिकायत की? शिकायत बहुत कुछ की सर, मैं पुलिस से दिल्ली के बोलने पर एक बार पुलिस से फैसला भी हुआ था थाने में बैठ के। अच्छा, क्या हुआ था फैसला? लेकिन फैसला हुआ था उसमें इन्होंने डेट मांगी थी, उस डेट पे इन्होंने कुछ रुपये दिया था, कुछ देने का वादा किया था, वो आज तक डेट निकल गया, आज तक देने को नहीं गए। अच्छा, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया? वही क्या चाहते हैं आप? सर, हम भी जा रहे हैं, हमारा पैसा मिल जाए वापस और मतलब दंड बनना चाहिए पैसा ना दें तो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।